नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका वाड्रा कांग्रेस से, ये दोनों बड़े राजनीतिक चेहरे आज मध्य प्रदेश में थे, लेकिन आज का विश्लेषण है कि आखिरकार ये दोनों राजनीतिक दलों के दो बड़े चेहरे अगर आज मध्य प्रदेश में थे तो इसके पीछे की खास वजह क्या है और इनका आना खास तौर से आदिवासी वर्ग के लिए मध्य प्रदेश में कितना ज्यादा जरूरी और अहम बना हुआ है। तो आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल एक तरीके से मध्य प्रदेश के करीब 22% आदिवासियों को अपने पाले में करने की जुगत में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में जो ताज़ा जनगणना है या जो वोटर लिस्ट तैयार हुई है उसके मुताबिक करीब 22% आदिवासी वोटर है मध्य प्रदेश में और 47 ऐसी सीटें हैं जो कि ST वर्ग यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, जनजाति के लिए आरक्षित है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खड़ी नहीं होती, दरअसल इसके अलावा करीब 80 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में जहां पर किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत आदिवासी वोटर ही तय करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर कांग्रेस से प्रियंका वाड्रा हों, ये दोनों ही आज मिशन आदिवासी के लिए मध्य प्रदेश में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक के साथ कई अन्य कार्य एक तरीके से देखा जाए तो भूमि पूजन किए हैं, कई चीज़ों के कई अलग प्रोजेक्ट्स के लिए शिलान्यास उन्होंने किया है, कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया हो, दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा ने टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण किया है। अब आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री महाकौशल के इलाके में है और प्रियंका वाड्रा मालवा के इलाके में है तो वो बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने मालवा इलाके को खास तौर से फोकस किया हुआ है। फिर भले ही वो किसानों का मामला हो, राहुल गांधी शाजापुर में आए थे, मालवा में आता है जहां वो काला पीपल में सभा करके गए हैं, प्रियंका वाड्रा धार में आई है, आदिवासी बहुल इलाका है, धार है, बड़वानी है, अलीराजपुर है, खरगोन है, ये झाबुआ है, ये आदिवासी बहुल इलाके हैं, मालवा में आते हैं। कांग्रेस जानती है कि पिछली बार उसे सबसे ज्यादा फायदा मालवा इलाके में हुआ था और एक बार फिर से भले ही भारत जोड़ो यात्रा हो, राहुल गांधी की पहली रैली हो या प्रियंका वाड्रा की ये रैली हो, कांग्रेस ने मालवा निर्माण क्षेत्र को एक तरीके से टारगेट पर रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंध्य के, महाकौशल के, ग्वालियर चंबल के, इन तमाम इलाकों के दौरे कर चुके हैं। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी आदिवासियों को टारगेट करने के लिए ही फोकस रखा है और साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वर्ग के अपने छिटके हुए वोट बैंक को एक बार फिर से हासिल करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने आज जो रानी दुर्गावती स्मारक का शिलान्यास किया है, भूमि पूजन किया है, करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा स्मारक बनना है। यहाँ पे रानी दुर्गावती की करीब 52 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनेगी और आपको बता दें कि ये वो जगह है जहाँ पर ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे अंग्रेजों ने उस समय राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। आदिवासी वर्ग के लिए जाहिर सी बात है रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, ये एक बड़े नाम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में आकर के ये कार्यक्रम करके जो गोंड समाज है, जो गोंड आदिवासी समाज है, उसके लिए एक तरीके से साफ संदेश रख दिया है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मध्य प्रदेश में ये दोनों राजनीतिक दलों के लिए आदिवासी वर्ग इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी वोटर हैं और करीब 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है यानी ST सीटें हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि मध्य प्रदेश में अगर सत्ता हासिल करनी हो तो आदिवासियों का वोट हासिल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम पिछले दो चुनावों पर नज़र डालें तो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि कैसे मध्य प्रदेश में सत्ता पाने के लिए आदिवासियों का वोट पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 2013 के विधानसभा चुनावों पर नज़र डालें तो MP में जो ST सीटें हैं, 47 ST सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, इन आरक्षित सीटों में से 2013 में 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था और 2013 में भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन 2018 में ये ट्रेंड बदल गया। साल 2018 में जब चुनाव हुए तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इन 47 सीटों में से 31 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया और नतीजा यह हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे हों, इससे पहले शहडोल वो गए थे, या फिर अमित शाह के दौरे हों, JP नड्डा के दौरे हों, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो वोट बैंक उससे 2018 के विधानसभा चुनावों में छिटक गया था वो उसे एक बार फिर से हासिल कर ले। इसलिए प्रधानमंत्री खुद जनजाति गौरव दिवस के पक्ष में थे, उन्होंने जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत की, भोपाल से इसकी शुरुआत करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे।
जनजाति गौरव दिवस जब मना था। दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है कि जो वोट बैंक उसके पास 2018 में आ गया है वो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उसके पास ही बना रहे, वो उससे छिटक कर वापिस भाजपा के पास न जाए, और इसीलिए कांग्रेस भी आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे जमकर भुना रही है। अब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल आदिवासी वर्ग को साधने की राजनीति में तो जुट गए हैं, देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये 47 एसटी सीटों में से पलड़ा किस राजनीतिक दल का भारी होता है और इनमें से ज्यादातर सीटें किस राजनीतिक दल के पास जाती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि इन 47 सीटों में से जिस राजनीतिक दल के पास ज्यादा सीटें जाएंगी, मध्य प्रदेश में अगली सरकार